हे गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रियलमी 9 आई फ़ोन। इस फ़ोन का दोस्तों आज टॉप 10 फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आप अगर ये फ़ोन लेते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारा फीचर्स। तो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्नो मास्टर जी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात करें रियलमी 9 आई फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन मिल जाता है, इस तरीके से पिंच इन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर का ऑप्शन है। ओके, वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोड के अंदर आपको यहाँ पे लाइव वॉलपेपर का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर आप लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों टाइम टू टाइम यहाँ पे वॉलपेपर चेंज होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा अलग अलग वॉलपेपर मिल जाता है, जो कि लाइव काफ़ी मस्त इफेक्ट मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सिंपली अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, आप कुछ भी मूवमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे एक अलग सा इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ोन में लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं रियलमी 9 आई फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, आपको फिर से इस तरीके से पिंच इन करना है और यहाँ पे एरो वाले बटन पे प्रेस करना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड है, मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको आइकन पुल डाउन गेसर करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने से फ्रेंड्स ये होगा कि आप अगर वन हैंड यूज़र है, ओके, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन है, आपका फिंगर नहीं पहुँचता है एक एक एप्लीकेशन पर, इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन पे जंप कर सकते हैं। ओके, ये देखिए सेटिंग में जंप कर गए। ओके, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल करके आप ये सब काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। थीम के लिए एक अलग ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में, तो आप अपने हिसाब से इस फ़ोन में थीम भी सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वॉलपेपर का ऑप्शन दिया गया है, वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन स्टाइल दिया गया है, तो आपका ये जो आइकन है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मिलता है, आपको इसे चेंज करना है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आइकन का जो फॉर्मेट है उसे दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं। जूम करना है, जूम आउट करना है, तो अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ऐप का जो नेम है उसे भी दोस्तों आप जूम या फिर स्मॉल में देख सकते हैं, और एकदम जीरो कर दीजिएगा तो नाम जो है एप्लीकेशन का वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप लेआउट है, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 एप्लीकेशन है। ओके, तो आप 6 कर सकते हैं और आपको अगर कम चाहिए तो कम भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप ऐप लेआउट चेंज कर सकते हैं, कॉलम यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप बेसिकली ये जो थीम है जैसे ब्लू कलर है, इसे दोस्तों यहाँ पे आप एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं कलर, जैसे ऑरेंज करने से कुछ इस प्रकार से दोस्तों सारा सेटअप मिलेगा। तो अप्लाई कर देते हैं, ये देखिए ऑरेंज हो गया। कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग करना है, और यहाँ पे आपको फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे दोस्तों आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लिखा हुआ। ओके, और यहाँ पे देखिए फ्रंट वेट है। ओके, डार्कनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्ले साइज वगैरह दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर का एक ऑप्शन मिल गया है, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन जो ड्रॉअर है सर्कल में है जैसे आप देख सकते हैं, तो स्क्वायर में करना है, इस तरीके से स्क्वायर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है इस फ़ोन में कस्टमाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स होने वाला है, जो फेस लॉक और फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं रफली। ओके, उन लोगों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस लॉक मेरा ओपन हो जा रहा है, ये लॉक ओपन हो जा रहा है, इस तरीके से स्वाइप अप करना पड़ता है तब जाके दोस्तों यहाँ पर मेरा होम स्क्रीन में आ रहा है, ये डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, इस तरीके से स्वाइप अप करना पड़ता है, इसे किस तरीके से फिक्स करना है ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फेस के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको पैटर्न डाल देना या फिर पासवर्ड जो भी सेट किए होंगे। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन अनलॉक है, इसे प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ऑटो अनलॉक है, इस पर टैप कर दीजिए।
टैप करते ही दोस्तों यहाँ पे सिंपली बैक करना है और इस तरीके से ये देखिए लॉक हो गया स्क्रीन, और जैसे ही फेस लॉक ओपन होगा ये हमारा होम पेज में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बार बार स्क्रीन स्वैप अप करने वाला झमेला नहीं रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, फेस लॉक यहाँ पे ढक देते हैं, फिंगरप्रिंट जो है ये टच नहीं हो रहा है। ओके, बटन प्रेस करने से तब जाके दोस्तों यहाँ पे लॉक ओपन होता है। ये चीज़ भी दोस्तों आप सेटिंग के अंदर सेट कर सकते हैं। उसी ऑप्शन में आपको जाना है पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक के ऑप्शन में, और यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर टैप करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है जो पैटर्न है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ अनलॉक है, ये लाइट टच है और फिल्म टच है। जब फिल्म टच रहेगा आपका बटन जब तक प्रेस नहीं होगा तब तक लॉक ओपन नहीं होगा, और यहाँ पे लाइट टच आप अगर जब कर देते हैं इस तरीके से हल्का टच करने के बाद भी ये फिंगरप्रिंट से लॉक ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखिए। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेटिंग के अंदर है। सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार करके एक ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारा कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई मेरा कनेक्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पे स्पीड वगैरह शो नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो यहाँ पे कितना स्पीड मिलेगा यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, और उसी के जस्ट ऊपर में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार। इस पर क्लिक करने के बाद इनसाइड द बैटरी आइकन, यहाँ पे जब आप फ़ोन लेते हैं बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है। ओके, तो इनसाइड द बैटरी आइकन पे क्लिक करने के बाद बैटरी के अंदर आपका बैटरी परसेंटेज शो होगा, और आपको अगर उसके बाहर चाहिए तो आउटसाइड द बैटरी आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और ये देखिए बाहर में आपका बैटरी परसेंटेज शो होगा। और इतने नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक काफ़ी कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन। ओके, तो यहाँ पे आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है ऊपर में आप देख सकते हैं इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है सेटिंग के अंदर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, और एक मैप के अंदर लोकेशन के अंदर है। ओके, ये देखिए वही सेम है। तो गैस ये आपको छोटा छोटा आइकन पसंद नहीं है तो यहाँ से आप दोस्तों सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन काउंट। नोटिफिकेशन काउंट पे क्लिक करने के बाद जितना भी नोटिफिकेशन आया होगा यहाँ पे 1-2 करके नंबर दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 2 दिख रहा है। ओके, और आपको अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे डू नॉट शो कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपको ऊपर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स इस फ़ोन में आप ऐप लॉक और एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं, किस तरीके से ये देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे एक प्राइवेसी करके एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप लॉक करके एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, सेट कर लीजिएगा। ओके, मैं सेट कर लिए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा एप्लीकेशन है, ऐप को लॉक करना है इस तरीके से ऑन कर दीजिए और यहाँ पे आप यूज़ में ले लीजिए। ओके, और यहाँ पे एप्लीकेशन सेट करने के बाद एक सेटिंग और करना है, ये डबल डॉट पर जाना है, सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर लीव ऐप अनलॉक्ड है इसे ऑफ कर देना है। ओके, इससे ये हुआ कि आप जितने बार भी यहाँ पर फेसबुक ओपन कीजिए तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आपका वो अगर ऑन रहेगा तो पासवर्ड बार बार नहीं मांगेगा, दिन में एक ही बार मांगेगा, इस तरीके से दोस्तों सेटिंग करेगा। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर एक हाइड ऐप करके एक ऑप्शन मिल जाता है, तो एप्लीकेशन को आपको अगर हाइड करना है तो इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, सेट कर देना है, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट को हाइड करता हूँ। ओके, और यहाँ पे सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करने बोल रहा है, जिससे दोस्तों आप डायलिंग पैड में वो पासवर्ड डालिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो हाइड एप्लीकेशन है वो शो करने लगेगा। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, पहले हश डालना पड़ेगा, और 4 डिजिट का कोई भी आपको यहाँ पे नंबर डालना है, 1234 डाल देता हूँ मैं, फिर से हश सेट करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। ओके, और सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिक है, टिक कर देते हैं, और यहाँ पे डन का ऑप्शन आएगा, डन कर देते हैं। ओके, तो कॉन्टैक्ट मैं हाइड कर दिया हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट कहीं भी नहीं दिखेगा। ओके, और जैसे ही मैं ये डायलिंग पैड ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं डायल करूँगा सेम पासवर्ड 1234 हज, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पे
ऑटोमेटिक हिडन एप्लीकेशन आ जाता है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है। डार्क मोड बेसिकली दोस्तों सभी फोन में होता है। यहाँ पे आपको एक काफी कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है डार्क मोड सेटिंग। सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको कितना डार्क चाहिए डार्क मोड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल डार्क करना है, मीडियम में करना है और जेंटल में करना है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स गेसर एंड मोशन के अंदर है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कन्वीनियंस टूल। ओके, इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड जो ऑप्शन है गेसर एंड मोशन है, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ गेसर है, इस पर टैप करना है और ये आपका ऑफ रहेगा। ओके, इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक स्क्रीन है, इसे ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने से ये होगा, इस तरीके से टेबल पे पड़ा है और इस तरीके से डबल टैप करने से स्क्रीन का लाइट ऑन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे ड्रॉ NO2 ओपन कैमरा है सेकेंड ऑप्शन, इसे ऑन कर लीजिएगा। जैसे आपका स्क्रीन लॉक है इस तरीके से ओ ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये सेटिंग मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्रॉ अ V2 टर्न ऑन फ्लैश लाइट। ओके, इसे ऑन कर लीजिएगा। आपको अगर फट से फ्लैश लाइट को ऑन करना है इस तरीके से वी ड्रॉ कीजिएगा स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन में ही यहाँ पे देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। फिर से आपको अगर ऑफ करना है इस तरीके से वी ड्रॉ कीजिएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों फीचर्स आप ऑन कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर बैक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको 3 फिंगर स्क्रीन शॉट चाहिए तो ये वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा। अगर ऑफ है तो इस तरीके से 3 फिंगर स्वाइप कीजिएगा और ये स्क्रीन शॉट कैप्चर हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर गेम वगैरह खेलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन वगैरह सारा चीज़ सेट करने को मिल जाता है, फ्रेम रेट देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 फीचर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं स्मार्ट स्लाइड बार है। ओके, आपका अगर ये ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। ऑन करने से ये होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन करके आ जाएगा, इसे आप जब स्वैप लेफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए स्वैप लेफ्ट जब कीजिएगा इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आप शॉर्टकट में काम में ले सकते हैं। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया गया है, आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है तो यहाँ पे बैक करके रिमूव कर सकते हैं। ओके, ब्लॉक वाला ऑप्शन से। और स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप कीजिएगा। जिस तरीके से आप 3 फिंगर ऊपर से नीचे करते हैं तो स्क्रीन शॉट आ जाता है, और नीचे से ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो आप एक साथ 2 काम कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो देखना है यूट्यूब में ऊपर वीडियो चालू कर दीजिए, और नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको अगर व्हाट्सअप या फिर किसी को मैसेज वगैरह करना है तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्प्लिट स्क्रीन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स आप अगर ये फ़ोन खरीदते हैं फ़ोन का लाइफ को आपको अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। ये दोस्तों सभी फ़ोन में अभी आने लगा है। ओके, ऑटोमेटिक फ़ोन ऑफ हो जाएगा ऑन हो जाएगा ये फीचर्स। ओके, तो सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको डाउन करना है, एडिशनल सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। ओके, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं कौन सा टाइम में आपका फ़ोन ऑफ होगा और ऑटोमेटिक कौन सा टाइम में ऑन हो जाएगा, यहाँ से आप दोनों चीज़ सेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर्स है। आप अगर फ़ोन को रेस्ट देना चाहते हैं तो 12 बजे या फिर 1 बजे का टाइम लगा दीजिए, रात को ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और सुबह 5 बजते ही यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आप अगर इस फ़ोन में OTG लगाना चाहते हैं तो OTG कनेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग के अंदर। आप ऑन करके OTG लगाइएगा तो आप एक्सेस कर सकते हैं OTG के डाटा को। तो फ्रेंड्स यही कुछ फीचर्स मैं आप लोग के लिए सेलेक्ट किया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सारे फीचर्स में से कौन सा फीचर्स सबसे बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको फ्रेंड्स ये फ़ोन अगर बाय करना हो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम का, तो आप अगर चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इस फ़ोन का मैं काफ़ी सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, चार्जिंग टेस्ट, पबजी गेमिंग रिव्यू और भी दोस्तों काफ़ी सारा वीडियो। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।